हेलो, हाय एवरीवन, कैसी? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक। मैं देख रही थी, आपके तो आजकल एक्टिंग के शौक सारे टिकटॉक पर निकल रहे हैं। और इंसान करे क्या, एक तो एक्टर ऊपर से बंद, तो इंसान अपनी क्रिएटिविटी निकाले कहाँ। तो मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हो सारे, देख देख के अलग अलग एक्सप्रेशन। अरे इतनी क्यूट ना, मुझे तो लगता है जो लोग रिकॉर्ड करते हैं वो वॉइसेस, इट इज सो क्यूट। मैं तो आधे टाइम तो हंसी रही होती हूँ और फिर रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है। हाँ, हमें भी मजा आ रहा है आजकल देख देख के। अरे वाह, तो मैं और बनाऊंगी। कैसा है बेटा, कैसा है? उसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मम्मा फुल टाइम घर पे। अच्छा, वो लिटरली मुझे कई बार ऐसे, मैं उसको उसको डराना होता है उसको, तो मैं आजकल ये बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू गो आउट नाउ, दिस इज गोइंग टू गेट ओवर, द लॉकडाउन इज गेटिंग ओवर। तो वो डर जाता है, ही डजंट वांट द लॉकडाउन टू एवर गेट ओवर, बिकॉज़ ही गेट्स मम्मी थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट। तो वो तो बड़ा खुश है। आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपका फेस इतना ग्लो हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, ये तो प्यार है देखो। और ऊपर से ये भी है कि इतनी नींद मैंने जिंदगी में नहीं निपटाई होगी जितनी मैंने अभी इतने एक महीने में जो हुआ है ना मेरे साथ। क्योंकि मैं सोते हुए भी सोच रही होती थी यूजुअली कि अभी जाना है, अभी यहाँ जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। तो यूजुअली इतना आराम मुझे नहीं मिला है, आई थिंक बहुत टाइम बाद मिला। तो मैं लिटरली ग्लो भी कर रही हूँ, पफी भी हो गई हूँ बिकॉज ऑफ ऑल द रेस्ट। नहीं, आप बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और मुझे याद है, मैं आपको सिर्फ आराम नहीं, मैं आपके घर आई थी, आप उस दिन 5 बजे लंच कर रही थी, ब्रेकफास्ट लंच सब साथ में एक साथ। एग्जैक्टली तो मेरा यूजुअली रूटीन ऐसे ही रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही मैं कहीं भाग रही होती मिलता है, और लाइक आई सेड आई एम टेकिंग टू मच रेस्ट। यस रजीत, मैं शुरू करना चाहूंगी। दरअसल मैं देख रही थी कि आप कर्नल की बेटी हैं, दो दो आपकी बड़ी बहनें एयरफोर्स में हैं, आप एक्टिंग के करियर में कैसे आ गए? यार सो मेरे डैड रिटायर्ड कर्नल हैं, मेरी दोनों सिस्टर्स रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, और बहुत ही बिल्कुल बॉयश और पूरा फुल आर्मी ऑफिसर्स ही है वो। उनका अभी भी आव भाव, उनको सालों बीत गए रिटायर होके, लेकिन उनका भाव आव भाव अभी भी, अगर डिसिप्लिन देखें, अगर उनके बोलने के तरीके में आप देखें, आप कभी भी मतलब हार्शनेस नहीं देखेंगे उनकी आवाज में, यू नो वेरी आर्मी लाइक। और मेरा तो तुक्के से हुआ था, ऑनेस्टली आई नेवर थॉट कि मैं इंडस्ट्री में, मैं एक्टर का भी, कई बच्चे होते हैं ना जो फिल्मी होते हैं, जो फिल्म देखते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। हम लोग स्पोर्ट्स खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, स्विमिंग जाते थे। दिस हैपेंड बाय फ्लूक। आई वाज वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर इन अ कंपनी, इट वाज कॉल्ड सेलवी। आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी वेरी हैप्पीली, कभी मैंने सोचा नहीं था मैं एक्टर, मैंने कभी किसी श्रीदेवी की या किसी की, यू नो होता है कई लोग सीक्रेटली डांस करते हैं उनके गानों पे, कई लड़कियों को शौक होता है, मुझे कभी ऐसा क्या कोई शौक नहीं था। दिस वाज प्योर बात कर डेस्टिनी, रही है? प्योर डेस्टिनी कि मैं आई तुक्के से यहाँ, और यहाँ अप्रिशिएशन मिला। फिर मैं नहीं भी करना चाह रही थी एक टाइम पे, मैं कुछ स्टडीज करना चाह रही थी, तो फिर मुझे कुछ और शो मिल गया, फिर कुछ मिल गया, फिर जाने का मौका ही नहीं लगा। इस इंडस्ट्री ने मुझे कभी जाने नहीं दिया, टच वुड। तो कौन से गेम वेम में अच्छी थी आप? और वही डिसिप्लिन मुझे लगता है आप जडान को भी वही पास कर रही हैं। हाँ मतलब मुझे जेडन में, यू नो आजकल, आजकल नहीं एक्चुअली, जब मेरे पापा रिटायर हुए यू नो, और मैं सिविल में आई, तो मुझे बहुत बॉदर करता था कि यू नो लड़की खड़ी है, और यू नो लड़का, नॉट कि लड़की कम है या ज्यादा, इक्वालिटी वाला लॉजिक नहीं है, तो गाइस डोंट स्टार्ट ट्रोलिंग मी ऑन दैट। बट यू नो एक आर्मी में ये होता था, यू नो अगर मेरे क्लासमेट्स भी होते थे, यूज टू पुल अ चेयर, यू नो देयर वाज दिस एटिकेट, देयर वाज दिस चार्म। तो मुझे वो जब पापा रिटायर हुए और मैं सिविल में आई, और यू नो मुझे तो शॉक ही लग गया था, मतलब आई यूज टू फील ऑफेंडेड एवरीवेयर कि व्हाट, पूछा भी नहीं, अरे हाउ इज ही टॉकिंग। तो मुझे ना बहुत साल लगे एक नॉर्मल एक्सेप्टेंस में आने के लिए कि आर्मी बहुत पीछे छूट गई है, नाउ आई नीड टू स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड, द सिविल वर्ल्ड। जो सिविल वर्ल्ड था बहुत बड़ा था मेरे लिए। तो स्पोर्ट्स खेलते थे, आई यूज टू लव प्लेइंग बास्केटबॉल, स्विमिंग करते थे वाह, हम लोग, बहुत रफ एंड टफ टॉम बॉयश होती थी। अब तो उस लाइफ में जाने के बाद लगता होगा कि मैं कहीं आउट ऑफ प्लेस फील करती होगी ना। यार इनिशियली तो ऑनेस्टली मुझे बहुत साल लगे, मैं सबसे छोटी भी हूँ अपने घर में, तो मेरी सिस्टर्स भी लाइक आई सेड आर्मी ऑफिसर्स, पूरे मतलब पैम्पर किया है मुझे बहुत ज्यादा। तो मैंने वो लाइफ कभी देखी नहीं जहाँ पे किसी ने कुछ हार्शनेस मेरे साथ की हो, यू नो बाद में जो भी लाइफ में हुआ वो एक अलग ही कहानी है, मगर व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैड नेवर सीन एनी मैन टॉक टू मी कि यू नो डू दिस, डोंट डू दिस।
तो वो आदत ही नहीं थी, यू नो. तो वो आई थिंक होते होते फिर इस सिविल दुनिया ने मुझे हार्श और स्ट्रांग बना दिया है किसी हद तक. लेकिन अभी भी वो है, आई कांट हेल्प इट. तो मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब जिस तरह की अपब्रिंगिंग है, सरवाइव कहीं पे भी हो जाएंगे, कैसी भी दुनिया क्यों ना हो, राइट? हाँ, ये एक एडवांटेज है, दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज कमिंग फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, क्योंकि हमने यू नो पापा की पोस्टिंग लद्दाख में होती थी, तो वुडन छोटे छोटे घर बनाए जाते थे बिकॉज इट्स अ फील्ड एरिया एंड इट्स कैमोफ्लाज, तो वहां पे रहते थे. फिर हम लोगों ने बहुत सेपरेटेड घर में भी रहे हैं, बड़े बड़े बंगलोज में भी रहे हैं, जहाँ पे लिटरली मैं बताऊँ ऐसे बंगलोज कई होते थे जहाँ पे हमें दो तीन रूम पता ही नहीं होते थे कि आगे भी है, क्योंकि वो बड़े बड़े ब्रिटिशर्स के टाइम के यू नो आर्मी ऑफिसर्स के वैसे ही होते. पापा वाज अ फुल कर्नल, ही वाज अ क्वार्टर मास्टर, तो लिटरली मतलब द हाउस वाज सो बिग कि पता नहीं था उसका दूसरा छोर कहाँ है. तो हमने सिचुएशन में यू नो माउंटेनियरिंग भी की है. पापा तो मतलब लिटरली एग्जाम्स के टाइम पे बोलते थे कि तुम एग्जाम की टेंशन मत लो, जाओ खेलो. फॉर हिम इम्पोर्टेंट वाज कि गो प्ले, आई डोंट केयर इफ यू गाइस गेट पास या तुम फेल हो जाओ, पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है. तो पापा हैव बीन रेज्ड इन सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, तो थोड़ा पढ़ाई में पढ़ाई में अच्छी थी, मोर देन एवरेज. मतलब मैं एक्चुअली खुराफाती बहुत थी. मैंने 11th स्टैंडर्ड में मैंने एक जॉब सोची कि मैं जॉब करूंगी और डैड को मैं सरप्राइज करूंगी. तो आप बिलीव करोगे, पापा की पोस्टिंग अहमदनगर में थी, इट्स अ स्मॉल प्लेस इन महाराष्ट्र इटसेल्फ. मैंने येलो पेज से लिटरली आंख बंद करके ऐसे एक पेज खोला और मैंने ऐसे करके एक जगह पे हाथ रखा, तो वीडियोकॉन शोरूम था एक बस स्टैंड के पास में अहमदनगर में. तो बस मैंने डिसाइड किया अब क्या यहाँ पे जो भी जॉब मिलेगी मैं करूंगी. मैं इतनी खुराफाती थी. तो आई वॉज लाइक आई यूज टू लर्न कंप्यूटर्स, मैं बहुत आई वॉज नॉट जस्ट स्टूडियस, आई वॉज ऑलवेज लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर वाली लड़की थी. दैट्स व्हाई आई थिंक आई एंडेड अप बिकमिंग एन एक्टर आल्सो. थोड़ी खुराफाती थी मैं. यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि आजकल आप यहाँ पे अपने घर में कैसे टाइम स्पेंड कर रही है जब लॉकडाउन है तो. यार कैसे स्पेंड कर रही हूँ, एक तो बहुत यू नो अब एक रूटीन सा ही बन गया, थोड़ा लेट ही उठती हूँ क्योंकि यू नो रात को नींद ही नहीं आती, क्या करो पूरा दिन क्योंकि फिजिकली इतना एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है. बट आई ट्राई टू वर्क आउट एट होम. फिर कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, अभी मेरा कैनवस खत्म हो रहा है लेकिन हाँ मतलब मैं पेंटिंग कर लेती हूँ और कुकिंग कर लेती हूँ. आई थिंक एवरीबॉडी आई नो ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई एक्टर को एक्टर्स सब झाड़ू भी कर रहे हैं, पोछा भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, जो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. तो सबको ना अब जो बिग बॉस में हमें एहसास होता था विदाउट हेल्प, अब आप सबको हो रहा है. तो एक सेडेस्ट प्लेजर जो हम बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स हम लोग जब कभी बात करते तो हम हंसते कि जो लोग बोलते ना तो क्या हुआ, घर ही तो था बस, फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, घर पे रहो, बाहर आने की इतनी जल्दी क्या है. नहीं, और अब घर घर में भी झगड़े शुरू हो रहे हैं कि आज तो मैंने बर्तन मांजे थे अब तुम्हारी बारी है, आज मैंने खाना पकाया अब तुम्हारी बारी है. तो सब घर में बिग बॉस, हम निकले कि ये लोग अंदर गए. सही में सबको एक्सपीरियंस कराइए बिग बॉस, राइट? बिग बॉस का रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हो दलजीत? क्योंकि तब मुझे याद है आपको टाइम नहीं मिला था. आई स्वेयर बिग बॉस का रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हो. मैंने रिपीट टेलीकास्ट ऑनेस्टली बहुत तो नहीं देखा बट हाँ एक दो एपिसोड देखे. मैंने अपना लॉन्च एपिसोड देखा तो ऑनेस्टली इतना तो नहीं देख पा रही हूँ मैं, लेकिन ये जरूर मुझे देखने में लग रहा है कि अरे यार हाँ मैं तो दिख ही नहीं रही, जबकि मैं आसपास ही कहीं पे बहुत कुछ कर रही थी, मेरे हिसाब से मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी लेकिन वो दिखा नहीं. एक्चुअली पता है बाहर जो लोग भी बिग बॉस रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, सॉरी मायरा, अभी हाँ. जितने भी लोग रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं तो मायरा आरान, इन लोगों का भी कमेंट आया था कि जो हम लोग कर रहे थे मायरा बोलती वो तो सब दिखा ही नहीं. आपको भी ऐसा लग रहा है? माहिरा के साथ वो ट्रायंगल वाला और सिद्धार्थ और रश्मि का शुरू हुआ था वो झगड़े वाला एंगल. तो क्योंकि 40 मिनट ही है ये यू नो पूरा एपिसोड, तो आई थिंक उनके ट्रैक को ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपोजर मिला. और मेरा पहले हफ्ते एक्चुअली पारस और सना का लव वाला एंगल बहुत ही जल्दी शुरू हो चुका था, और सना और रश्मि का एक यू नो वो एंगर वाला और वो कि क्या है इन दोनों के बीच में, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है, तो वो इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था पहले ही हफ्ते में कि आई थिंक व्हेन वी वर आल्सो ऑब्वियसली कोई बैठा नहीं हुआ था या यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वर स्टार्टिंग,
लेकिन आई थिंक दीज टू वर मच बिगर ट्रैक्स दैट हैड ओपन, सो वो ऑब्वियसली उस चीज को ज्यादा उन लोगों ने दिखाया. लेकिन मेरा भी आसिम के साथ, अबू जी के साथ, सिद्धार्थ के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग यू नो फ्रेंडशिप डेवलप हो रही थी. एक यू नो मजा आता था, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग देयर, बट वो ऑब्वियसली प्रोबेबली वाज नॉट दैट बिग. सो अगर आप एडिट वाइज देखो तो दे डिड द राइट थिंग, बट इट इज नॉट कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे एंड यू नो ऐसा नहीं होता है. बट अगेन जिसको गेम पता है दे विल डू द राइट थिंग, यू नो लाइक पारस न्यू व्हाट टू डू, वो भी आना बहुत जरूरी है. सो आई इट्स कमेंडेबल. आपने एक्टिंग कहाँ से सीखी, गायत्री पूछना चाह रही है. गायत्री मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, मैंने सीखते सीखते सीखी है, क्योंकि जब मैंने शो शुरू किए तो वहीं पे कुछ कभी गलतियां हो जाती थी, डायरेक्टर्स डांट के कभी बता देते थे. बट टचवुड मैंने एक्चुअली बहुत सारे एपिसोडिक्स किए थे जब मैं आई थी, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ यू नो एपिसोडिक्स. तो कभी नेगेटिव करने का मौका लगता था एक एपिसोड में, कभी पॉजिटिव, और मतलब मुझे मेन रोल्स दिए जाते थे, और उस चक्कर में एपिसोडिक्स के चक्कर में मैंने बहुत सीखा, एंड दैट हैज लिटरली बीन माय पेड एक्टिंग क्लास. लाइक आई से दे वर पेइंग मी टू लर्न एक्टिंग, बट मैंने बहुत सीखा. और तब सीआईडी और वो सब बहुत बड़ी यू नो बड़े वो होते थे, एपिसोड्स वर लाइक रियली वॉच्ड, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी. फिर कुलवधू एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड, सो आई लिटरली गॉट इनटू पेड एक्टिंग क्लास थैंकफुली. यहाँ पर एक पूछना चाह रही थी कि हम क्या आपको मधु पूछना चाह रही थी खतरों के खिलाड़ी में देखेंगे. यार पता नहीं, आई रियली डोंट नो, इतनी बड़ी डेयर डेविल में हूँ नहीं, तो मुझे चांसेस कम ही लगते हैं कि खतरों के खिलाड़ी होगा. झलक में आप मुझे शायद देख पाएंगे कभी, अगर मुझे मौका लगा तो मैं झलक जरूर करना चाहूंगी. यू नो दैट इज डेफिनेटली व्हाट आई कैन डू, बट नच बलिए तो जीत ही चुकी है. जी नच बलिए मैं जीत चुकी हूँ, लेकिन बहुत साल बीत गए हैं. लेकिन हाँ मतलब झलक डेफिनेटली इंटरेस्ट मी अ लिटिल मोर देन खतरों. खतरों में मुझे लगता है कि यार बेफालतू के पंगे हैं. I'm safe, I'm happy. डांस स्टेज पे स्टंट ठीक है, राइट? हाँ देर, फिर भी मुझे लगता है कि अपना लिमिटेड है ना, आप किसी चीज को मना कर सकते हो. वहां पे अगर आपको ऊपर से पानी में कूदना है तो देखो इवेंचुअली इट इज बॉडी, इवेंचुअली तो आप भगवान भरोसे ही हो, आपको स्विमिंग आती भी है तो भी यू नो एवरीथिंग हैज अ लिमिटेशन ऑफ उस सेकंड में क्या होगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. एंड आई डोंट इवन क्लेम, मैं कभी झूठे मुंह भी नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ब्रेव हूँ. आई एम नॉट वेरी ब्रेव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट. सो आई एम हैप्पी इन माय लिटिल लाइफ विद सेफ्टी. दलजी जब आप बिग बॉस के घर में गई, जिन इक्वेशंस को छोड़ के जिसका आपने जिक्र किया बाहर निकली और जो फिनाले तक पहुंचा, आपको लग रहा था कि ट्रैक ऐसे 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 जाके ऐसे इतने चेंजेस आ जाएंगे और ये सब हो जाएगा? सपने में नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ और सना का जो एंगल बना आखिरी में, दैट वाज माय बिगेस्ट सरप्राइज. मैं मायरा पारस के ट्रैक में बिल्कुल सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि शुरू में भी लग रहा था कि कुछ कंफ्यूजन है, हो सकता है हो नहीं सकता. लेकिन सना एंड सिद्धार्थ वाज माय बिगेस्ट लाइक व्हाट यू नो ये दोनों. एंड देन आई स्टार्टेड लविंग देम टुगेदर, बिकॉज मुझे बहुत उनकी जो नोक झोंक थी, यू नो सना का रूठना, फिर सिद्धार्थ का मनाना, फिर सिद्धार्थ का रूठना, उसका मनाना, मुझे तो बड़ा मजा आया. तो बहुत सरप्राइजिंग था, बट इट वाज अ गुड सरप्राइज. और हिमांश जबकि मुझे भी लगता था कि यार हिमांशी हैज समबडी आउटसाइड, इट विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स आउटसाइड, बट वट एवर इट इज, आई थिंक हाउ एवर इट हैज प्रोसीडेड, नाउ दे बोथ लुक हैप्पी टुगेदर, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर आसिम एंड हिमांशी एज वेल. क्या कहा आपने, आवाज कट गई, हिमांशी और आसिम? जिस भी रास्ते से गुजरा हो आसिम और हिमांशी का, भले ही किसी भी रास्ते से गुजरा हो, जब ये लोग टेलीकास्ट जब आता था तो मुझे लगता जरूर था कि हिमांशी का कोई बाहर है और यू नो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ब्राइट है. लेकिन मे बी शी वॉज वट एवर द रीजन वॉज, आई डोंट वॉन्ट गेट इन टू इट. बट इवेंचुअली जो भी रास्ता शुरू हुआ, जो तय हुआ है और इवेंचुअली ये दोनों मिले हैं, आई रियली लाइक देम टुगेदर. और वो एक अर्नेस्ट कोशिश दोनों की तरफ से मुझे दिखती है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है दोनों को देखकर. घर के अंदर जाते साथ आपकी आसिम और रश्मि से बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी शुरुआत में? आपकी आवाज फिर कट रही है. Oh no, I don't know what to do. Is it better?
इज दिस बेटर? आप पहले थे बीच में, वहां पे बहुत अच्छा आ रहा था नेटवर्क भी, आप भी अच्छे से दे रहे थे और वीडियो भी। ये बेटर है? वेट, पहले से बेटर है। वेट, आई विल वेयर माय एयरपॉड एंड सी इफ दिस हेल्प्स। होल्ड ऑन, आवाज आती है? कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ अब हाँ, इज इट यस बेटर? यस हाँ या तो, अब अच्छे से दिखाई भी दे रही है। हाँ परफेक्ट। सो व्हाट वाज आई सेइंग, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, आई फॉरगॉट। आसिमांशी एक बॉन्डर। यार मेरी बॉन्डिंग सबके साथ ही बहुत अच्छी हो गई थी, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ हुआ भी नहीं था 2 हफ्तों में कि मैं झगड़े करती या कुछ होता। तो मेरा सिद्धार्थ के साथ, रश्मि के साथ, पारस, आसिम, अब्बू जी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका था वहां पे। लेकिन आई थिंक सना के साथ मैं अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाई थी, बिकॉज शी वॉज मोर इन टू आसिम, सिद्धार्थ एंड अब्बू जी एट दैट टाइम, यू नो। तो मैं उसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग हो नहीं पा रहा था, शी वॉज मोर इन टू देम, यू नो, टॉकिंग। एंड एक होता है ना, शुरू में आप जब आते हो स्ट्रेंजर से मिलते हो तो ग्रुप तो बनता ही है। ऑल ऑफ दैट, मेरे तो बॉन्ड आई थिंक टचवुड सबके साथ ही बहुत अच्छा रहा, एक्सेप्ट सिद्धार्थ। इट्स नॉट विलेज प्रशांत, ऑडियो का ना, पूजा आपसे पूछना चाह रही है कि आपको सिड्रा की केमिस्ट्री पसंद है या सिडनास की? आई थिंक सिड्रा की मुझे केमिस्ट्री पसंद है ऑन स्क्रीन, और सिडनास की पसंद है ऑफ स्क्रीन। आपने तीनों के गाने देखे हैं दलजीत? कैसे देखे देखे तीनों के देखे। लगे? या तीनों ही बड़े अलग अलग ओपिनियन है, इसमें कोई कंपैरिजन या कंपटीशन तो है नहीं। आसिम और हिमांशी का सॉन्ग मैंने पहले से सुना हुआ था, सो इट वाज नॉट अ न्यू सॉन्ग फॉर मी, बट दैट इट पिक वेरी वेल ऑन बोथ ऑफ देम, बिकॉज यू नो उनमें वो एक यूथ और वो क्यूटनेस है, एक सोबेरिटी है दोनों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ और सना का गाना मुझे जेन्यूनली बहुत अच्छा लगा, सो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। और दोनों की केमिस्ट्री तो बड़ी प्यारी सी है ही, तो वो दिखा उसमें। और पारस और मायरा की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन लोगों ने वो इमोशनल वो पूरा रखा उसमें, तो पता चलता है कि यार बड़े अच्छे एक्टर्स हैं दोनों। तो ऑल थ्री हैड डिफरेंट फ्लेवर्स आई थिंक, सो देयर वाज नो कंपैरिजन टू दैट। इश्क करे बर्बादियां देखा था मैंने आपका, जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग था। आप दोबारा ऐसे कोई म्यूजिक वीडियो के लिए कोई तैयारी? आई रियली होप सो। इश्क करे बर्बादियां जो जी म्यूजिक में मुझे वो हमने शूट किया था, मुझे शूट करते हुए बड़ा मजा आया था, बिकॉज द सॉन्ग वॉज सो ब्यूटिफुल। हम लोग फुल ब्लास्ट में प्ले करते थे वो सॉन्ग। आपकी आवाज बार बार बस जा रही है, जा रही ऑडियो है क्लियर नहीं यार, है। और आप जब भी कुछ अपने बारे में बताना चाहना शुरू करती हैं तभी आवाज चली जाती है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अभी अभी बेटर है, जहां बेटर होगा आप मुझे बता दीजिए। ओपन द नहीं डोर, स्टिल हो देयर्स अ गया है, चांस आई ओपन द डोर एंड इट गेट्स स्टिल हो लोग गया। ओह नो, होल्ड ऑन। कई बार, इज इट बेटर बाय एनी चांस? नहीं दिलजीत इज इट बेटर? आवाज। नो no? अरे यार, अभी 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 अभी, इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? आप जहाँ पहुंची थी ना वहां शुरू में थोड़ी देर ठीक आती है, फिर वापस नेटवर्क चला जाता है। अभी अभी ठीक है? मेरी वॉइस में ठीक है प्रॉब्लम है बेटा। बोल रहे हैं, रुकिए मैं हाँ बाहर क्योंकि जाती आप जो हूँ। जवाब दे सारे लोग। हाँ हाँ लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल है यहां से करना? हाँ आपके लिए हाँ कंफर्टेबल है यहां से हाँ करना हाँ बिल्कुल अभी यहां से? कंफर्टेबल है। मैं ये एक्चुअली अपना जगह चेंज कर दी है मैंने हाँ यहां से अभी मुझे तक। लगता है कि आपके फैंस जो है आपको सुन पाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो बनता है मेरे फैंस के लिए। अभी ठीक है?
यस हाँ, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी परफेक्ट म्यूजिक वीडियो के बारे में, जी। म्यूजिक वीडियो म्यूजिक म्यूजिक वीडियो यार, सो इश्क बर्बादियां इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स आल्सो, एंड आई थिंक बड़ा ही प्यारी स्टोरी थी। अगर आपने देखा हो, तीन कपल्स के ऊपर आई स्क्रिंग द न्यूली वेड इन दैट, और कैसे इश्क बर्बाद कर देता है उसके ऊपर था। एंड आई लव्ड शूटिंग, वी वर शूटिंग इन दुबई फॉर इट, और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस में हमने शूट किया और बहुत मजा आया, यू नो इट वाज रियली नाइस। एंड आई रियली होप कि यू नो, अब मुझे इमीडिएटली एक डेली सोप करने से अच्छा, आई रियली होप कि मुझे वेब सीरीज और ये म्यूजिक वीडियोस और ऐसा कुछ करूं। अब आई थिंक ये लॉकडाउन ने ना थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया, बिकॉज आई हैव गॉटन यूज्ड टू स्टेइंग विद जेडन अ लिटिल मोर, तो मुझे नहीं लगता मेरे में हिम्मत है इमीडिएटली डेली सोप लेने की, जहां मैं बिल्कुल ही गायब हो जाऊं। तो आई होप कि यू नो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करूं, और एंड देन आई गेट सम टाइम ऑफ ऑल्सो। फिंगर क्रॉस। किस तरह के जॉनर का म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगी? अभी तीन जॉनर के म्यूजिक वीडियो जो आप हमने अभी बात की, शहनाज़ पायरा और आसिम मांझी, तीनों जॉनर अलग है आपने खुद बोला, तो आपको उसमें से करेक्ट किस तरह का गाना पसंद है? यार, एज एन एक्टर ना ये क्वेश्चन भी गलत है और इसका कोई करेक्ट आंसर हो नहीं सकता, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू ऑल थ्री, बिकॉज यू नो रोमांस इज माई फोर्टे, नेगेटिव आई हैव डन, पॉजिटिव आई लाइक, इमोशंस तो मतलब लोग मेरे साथ रोए हुए हैं लिटरली मिल मिल के। तो आई थिंक आई हैव नाउ डन ऑलमोस्ट एवरी जॉनर इन माई लाइफ ऑफ करियर, यू नो जो मैंने करियर में अपने जितने भी किरदार निभाए हैं, तो मैं अपने आप को दिमाग में ऐसे कोई थॉट लिमिट नहीं कर रही हूँ। कुछ भी इंटरेस्टिंग हो, सेटअप अच्छा हो, सॉन्ग अच्छा हो, आई थिंक अगर सॉन्ग अच्छा नहीं है ना, देन इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो अगर सॉन्ग ही अच्छा नहीं है तो वीडियो तो चलो कैसे भी आप शूट कर लो, लेकिन सॉन्ग हैज टू बी नाइस। सो आई रियली होप कि कुछ अच्छा सा वीडियो एल्बम, कुछ अच्छा सा शूट करें, रोमांटिक सा हो, सहर मे बी रोमांस इज इन द एयर, मे बी रोमांस। बाटी कह रहे हैं कि हमें आपकी सिद्धार्थ के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लगी थी, क्या आप सिद्धार्थ के बहुत साथ कोई प्यारी प्रोजेक्ट करेंगे? यार, अभी तक तो कुछ बात नहीं हुई है क्योंकि ये लोग बाहर आए और हम लोग सब अपने अपने बिल में घुस गए अभी तो। सिद्धार्थ के साथ हाँ, आई वुड लव टू डू यार, अगर कोई यू नो म्यूजिक एल्बम हो, कुछ शूट हो, आई वुड लव टू डू इट। और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लगी है, देन आई रियली होप दैट अ मेकर थिंक्स ऑफ समथिंग इंटरेस्टिंग टुगेदर, एंड आई वुड लव टू शूट विद हिम। ही इज विद मी, ही वाज लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड यू नो आवर केमिस्ट्री वाज रियली नाइस एज यू नो व्हाटएवर वाज बिल्डिंग देयर, तो आई वुड लव टू शूट विद हिम। दिलजीत, आपसे जब मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, आपने बोला था कि मैं चाहती हूँ रश्मि जैसी ही बाहर आए मैं जाके से उसे गले लगा लूँ, जो मैंने उसकी जर्नी देखी। आपकी बात हुई फिर रश्मि से? रश्मि हाँ, अरे रश्मि को मैं मिली हूँ और मैंने वो हग उसको दिया है, बहुत टाइट हग दिया है, बिकॉज आई थिंक स्पेशली जब वो एपिसोड हुआ था वे शी हैड क्राइड अ लॉट, ट्रस्ट मी मुझे ना बहुत दिन लग गए थे नॉर्मल फील करने में, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था और उस टाइम मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि कौन सा ये कौन गलत है, यू नो नोबडी कैन डिसाइड दैट, यू नो उस टाइम इट जस्ट द होल क्वेश्चन वॉज नॉट कि कौन सही है कौन गलत है, बट बिकॉज शी वेंट थ्रू सो मच, मतलब आइसोलेशन आप कह सकते हैं, वो रियल आइसोलेशन है जहाँ पे आपको यू नो आप इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन से गुजर रहे हो और आप अकेले हो, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। एंड आई मेट हर, उसके बाद तो खैर बहुत बार बात हुई हमारी, बहुत बातें हुई, घंटों घंटों बात हुई, और ऑफ कोर्स आई ऑलवेज टेल हर दैट आई एम विद हर एंड दैट इज समथिंग दैट आई स्टैंड बाय, आई विल ऑलवेज बी विद हर। आप एक बार देवोलीना से मिलने गई थी और वो जो वीडियो है वो अभी फिर से बहुत चर्चा में आया था, एंजल वाला वीडियो, हाँ, जब आपको पता होगा जो सब हुआ, आप उस बारे ए में क्या कहेंगी? भगवान यार, एक तो ना मुझे मतलब मैं देवो को मिलने गई, करेक्ट, फिर उसके बाद मैं अपने घर आई, वो भी करेक्ट है, और पीछे से उसने अपनी फ्रेंड के साथ वो वीडियो बनाया, और उस मुझे सिर्फ उस टाइम भी यही बहुत गुस्सा आया था कि यू नो सिर्फ क्योंकि आपके पास पावर ऑफ इंटरनेट है और आपके पास टाइप करने के लिए हाथ है, तो आप कुछ भी लिखे नहीं, कम से कम उतनी रिस्पेक्ट मुझे आई थिंक यू नो उनके फैंस को, सना के फैंस को देना चाहिए था कि वो एक बार मुझसे पूछते कि क्या वो आप हैं जिनकी आवाज आ रही है, तो मैं क्लैरिफाई करती। व्हेन आई वोक अप एंड आई सॉ द मैसेजेस, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगी, मुझे ये नहीं था कि मेरे लिए बोल रहे, लेकिन मुझे उनकी ऑडेसिटी पे मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसे भी लोग होते हैं, यू नो दे वर सेइंग वी विल कम टू योर हाउस एंड किल योर सन, ऐसे कौन बोलता है, फॉर व्हाट, फॉर समथिंग दैट यू थिंक हैज हैपेंड, हाउ कैन समबडी राइट दैट, और आप अपने आप को फैन कह रहे हैं, आप बेसिकली एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए
दूसरी लड़की को जो एक मदर भी है, एक डॉटर भी है जिसका एक बच्चा है, आप उसको इतनी बुरी चीज कह रहे हैं। तो मुझे सिर्फ उस टाइम बड़ा शॉक लगा था कि पहली बात तो मैं थी भी नहीं उस वीडियो में, एक अलग ही कहानी है वो कि उन लोगों ने पूछा भी नहीं, मैं तो थी भी नहीं उस वीडियो में। लेकिन आप अपने फैन, आप एक किसी के फैन हो, दैट इज ब्रिलियंट। आप उन्हें एनकरेज करें, उन्हें ज्यादा वोट दिलाएं, उन्हें जिताएं, उन्हें और अपना फैंडम बढ़ाएं, दैट इज फाइन। बट क्योंकि आप किसी को शायद पसंद नहीं करते या वो इंसान आपके किसी को पसंद नहीं करते, तो यू शुड नॉट, एक लाइन कहीं ना कहीं आई थिंक सोशल मीडिया में ड्रॉ होनी चाहिए, जिसको हम ट्रोलिंग कहते हैं, वो ट्रोलिंग के लिए भी एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अब जो इतने सारे हजारों लाखों लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मुझे हजारों लाखों सॉरी क्यों नहीं आया फिर? आपने चलो गलती में मुझे दे दिया, आपने गुस्से में बहुत कुछ कहा, गालियां बोलो आप क्या क्या बोलो, फिर आपने मुझे हजारों लाखों लोगों ने जो मुझे वो मैसेज किया, वीडियोस बना बना के दिए मुझे लोगों ने, तो फिर उतने लोगों की अपॉलोजी भी आनी चाहिए थी। फिर मैं मानती कि चलो उनसे गलती हो गई, अपॉलोजी नहीं आई, लेकिन ट्रोलिंग में वो लोग सबसे आगे हैं। लेकिन अपॉलोजी में या कुछ लोगों का आया, आई विल ऑल्सो मेंशन दिस, अ फ्यू पीपल डिड मैसेज मी एंड आई रिप्लाइड देम बैक, बट जितनी तादाद में मुझे इतना गलत गलत कहा गया, वो लोग कहाँ हैं? दे आर नोवेयर। सो दैट इज वेयर आई थिंक द ट्रोलिंग बॉदर्स मी। बोलते हैं कि फैंस ऐसे नहीं होते हैं, फैंस जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, जो रियल फैंस होते हैं। यार सिंपल बात है, अगर कोई मुझे अगर पसंद कर रहा है, सपोज आपको मेरा कोई किरदार पसंद आया या आपको मैं बिग बॉस में पसंद आई, जो भी आप मेरे फैन हैं, इट इज अ वेरी, आई एम हम्बल्ड बाय इट एंड इट मेक्स मी फील वेरी प्राउड कि मैं फैन, एक बहुत बड़ा वर्ड है, जो मैं जिनको कभी देखा नहीं है वो मुझे पसंद करें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई मुझे नहीं पसंद करता या मेरे काम को नहीं पसंद करता, तो आप उनके पीछे ना पड़े, इट्स ओके। सब लोग एक दूसरे को पसंद करेंगे। आप मेरे फैन है ना, आप मुझे बताइए आपको कब मेरा काम पसंद है कब नहीं पसंद है, दैट इज वेयर माई एनकरेजमेंट लाइज। बट जो मुझे नहीं पसंद करते, आप उनके पीछे मत पड़िए, डोंट स्टार्ट। और जिस तरह की लैंग्वेज, इट अमेजेस मी, और है भी बच्चे, जितना भी मैंने देखा है या जितने भी लोगों को आई हैव अंडरस्टूड, दे आर किड्स एंड व्हाट लैंग्वेज गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि यार आर यू सीरियस? तो मुझे आई थिंक उभरने में बड़ा टाइम लगा वो ट्रोलिंग के बाद। मैंने वीडियो भी बनाया और मैंने बिना किसी के कहे एक्सप्लेनेशन भी दिया, और मुझे बहुत लोगों ने बोला ट्रोलिंग हो रही है ना, बहुत अच्छी बात है, होने दो, आपको पब्लिसिटी मिलेगी, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। मेरे कम लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट और प्यार मिले, मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है अपने लाइफ में। तो फिर मैंने सबको बोला कि भाई मैं नहीं थी, सो टेक इट इजी, फिर जाके सब काम डाउन हुए। बट या तो इट्स सैड, बहुत आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत मुश्किल था उस सब चीजों से निकलना, राइट? यस, बहुत। मतलब मुझे पहली बात तो ना, लैंग्वेज बहुत बॉदर करती है, जब आप जानते भी नहीं है, ऊपर से कोई लड़की है, आप उन्हें इतनी डिग्रेडिंग लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में, और आप इतनी डिग्रेडिंग लैंग्वेज में आप कुछ कह रहे हैं और पर्सनलाइज चीजें कह रहे हैं, और आप जानते भी नहीं है कि पहली बात कि वो मैं थी कि नहीं, और दूसरी बात गुस्सा ही जाहिर करना है तो भी आप गुस्सा जाहिर कीजिए ना, ये बदतमीजी और ये लैंग्वेज, और आप फिर कैसे फैन हुए आप? फिर तो आई एम स्कैर्ड फॉर सना कि उसके ऐसे फैंस हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ, मतलब ट्रोलिंग का भी एक आई थिंक एक दायरा क्रिएट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे गौरव कह रहे हैं कि आप सिद्धार्थ के लिए कुछ बोलिए, वो 5 बार लिख चुके हैं, मुझे लगता है। सिद्धार्थ के लिए क्या बोलूँ यार? देखो पहली बात, सिद्धार्थ, मैं जिस जैसे ही मैं बिग बॉस के घर में पहुंची थी, ऑनेस्टली सिद्धार्थ हैड इंस्टेंटली बिकेम माय फ्रेंड, लाइक ही बिकम, मतलब इमीडिएट हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी। आल्सो बिकॉज ही वाज माय बेड पार्टनर, वो पहले अबू जी थे, फिर सिद्धार्थ का जो बेड था वो रश्मि के साथ एक कोने में था, और वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, और जो मेरा बेड था वो इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ द गेट, जहाँ पे इवेंचुअली सना और सिद्धार्थ ने शेयर किया, तो वो मेरा बेड था पहले। तो दैट इज व्हेन हम लोग गप्पे मारते रहते थे, फिर सिद्धार्थ इवेंचुअली सेड यार मुझे बड़ी गर्मी लगती है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जा, तो हम लोग गप्पे मारते रहते थे, एंड ही ऑलवेज हैड दैट बडी वाला, एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल सा उसका एक बॉन्ड था मेरे साथ। फिर मैं कभी कुछ खाना बनाती थी या कुछ करती थी, तो सब सरप्राइज हो जाते थे कि ही यूज्ड टू एक्चुअली कि क्या बना रही है, तो बोलते थे ये बना रही है, एक बार आलू के पराठे बना, तो कैसे बनाते हैं, ही यूज्ड टू स्टैंड विद मी एंड हेल्प मी मेक इट। तो सब लोग बोलते थे अरे वैसा तो दिखता नहीं है लेकिन दलजीत बनाती तो सीख लेता है। तो वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉन्ड दैट वॉज गेटिंग क्रिएटेड, एंड आई थिंक दैट फ्रेंडशिप विल रिमेन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम।
एंड आई हैड एन अमेजिंग बॉन्ड विद हिम एंड ही इज बीन वेरी काइंड टू मी. टच वुड, मेरा किसी के साथ भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि आई वॉज आउट. और मैं तो खुश हूँ कि अच्छे टाइम पे निकल आई बाहर में. ज्यादा पचड़े नहीं पड़ना पड़ा. और मेरे लिए वो करेक्ट है. जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग बोले यार ठीक है, यू नो नथिंग कुड बी बेटर देन दिस फॉर यू. ठीक है. कुछ लोगों ने पहले से ही सवाल भेजे हुए थे. एसडे पूछना चाह रही थी, आशिवांशी का बॉन्ड कैसा लगता है और क्या आप आसिम के साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहेंगी और गाना कैसा लगा, डिटेल में बताइए. यार मुझे आसिम और हिमांशी, आई थिंक दे आर वन ऑफ द गुड लुकिंग पेयर्स दैट केम आउट ऑफ इट. लाइक सिद्धार्थ एंड सना भी बड़े गुड लुकिंग है, लेकिन यू नो समथिंग अबाउट हिमांशी एंड आसिम इज वेरी यंग एंड यूथफुल एंड क्यूट, यू नो. तो मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी प्यारी लगती है. जब हिमांशी और आसिम का शुरुआत हुआ था बिग बॉस के घर पे, तो मुझे जरूर लगा था कि यार यू नो हिमांशी हैज समबडी आउटसाइड, तो वो रिलेशनशिप टूटने के बड़े चांसेस लग रहे थे. तो बड़ा दिल भी दुख रहा था, लेकिन फिर लगा था कि यू नो शी मस्ट बी नोइंग व्हाट शी इज डूइंग. यू नो सब बड़े यार, सब अपने अपने उम्र से, सब अपने तजुर्बों से सब सीख चुके हैं. ऐसा कुछ नहीं कोई फोर्स कर रहा है. बट जब सलमान सर ने एक बार बोला था आसिम को कि यू नो इफ यू आर डूइंग दिस ऑन नेशनल टेलीविजन यू मेक श्योर दैट यू होल्ड हर हैंड. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आसिम दैट उसने सलमान सर की रिस्पेक्ट रखी और उसने सलमान सर यू नो उनके कह सकते कि वो यू नो क्योंकि वो हमारे घर में you know he's like the elder of the house, to unka wo rakhna bahut badi baat thi. And he's actually he holds her hand in public and I always feel very proud of Asim when he does that. Very nice. Yaar Jaya keh rahi hai ki aap bahut expressive hai. Haan yaar, ye mera syapa hai. Mera na panga yehi hai, mera zyada filters life mein hai, jo andar hai wo bahar hai, mujhe aata nahi hai. Main bahut buri act karu real life mein. Haan, wo aapke expressions ke liye compliment de rahi hai ki aap bahut अच्छे से एक्सप्रेस करती है चीजें. आपको यहाँ पे पूछते हैं एक फैन, आपको आसिम ने घर में इंग्लिश रैप सुनाया था और अब आप उनका पंजाबी सुना, तो आपको कैसा लगा एज अ रैपर, और आपको उनका इंग्लिश रैप अच्छा लगा या पंजाबी रैप? यार ही इज आउटस्टैंडिंग इन रैपिंग, क्योंकि रैपिंग कई लोग कर पाते हैं, मेरे भी कई दोस्त है जो कर पाते हैं, लेकिन एक एडवांटेज आसिम का ये, तो बहुत लंबी लेंथ में बहुत लंबी रैप करता है वो, विच ही रिमेम्बर्स टू द टी. और दूसरा उसके हर वर्ड पे ना एक एक्सेंट है, जो सर मजाक उड़ाते भी थे, लेकिन वो एक्सेंट एक्चुअली बहुत इंडियरिंग है. जब वो बोलता है रैप में कुछ ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है और बहुत बहुत मजा आता है, यू नो व्हेन ही सेज इट लाइक ही एंगेजेस यू, तो आप उसके चेहरे से ना अपना अपना वो आप अटेंशन डाइवर्ट नहीं करेंगे. ही इज आउटस्टैंडिंग. तो मुझे इंग्लिश भी अच्छा लगा, उसका पंजाबी भी अच्छा लगा. पंजाबी में भी उसका थोड़ा सा एक्सेंट है, इंग्लिश में तो डेफिनेटली एक एक्सेंट है, विच सूट्स हिम, सूट्स हिज पर्सनालिटी. ओम पूछना चाह रहे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? हमें लग रहा था आप टॉप 5 में आएंगे. और आप सना के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या सोचती हैं? पहला क्वेश्चन तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोगों ने वोट क्यों नहीं किया. अब वो मैं कैसे बताऊं, वो तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए. यहाँ पे कैमरा वहां उल्टा, अभी वहां आप वहां जाना चाहिए. दूसरा पारस और माहिरा. माहिरा के फैंस भी पूछ रहे हैं, लेकिन ओम का सवाल था कि आप सना के बारे में क्या सोचती हैं. यार तो जब मैं वहां पे थी, मैं सना को समझ ही नहीं पाई थी, क्योंकि सना एक तो ज्यादा बात नहीं करती थी, वो आसिम अब्बू जी और सिद्धार्थ के साथ ही ज्यादा रहती थी और उन्हीं के साथ ज्यादा वो मस्ती भी करती थी, यू नो शी यूज्ड टू स्टिक टू दैट. तो मैं कभी किचन का काम करती थी कहीं पे, मेरे एक्चुअली तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे तब, तो सना के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड हो नहीं पाया था, विच इज वाई आई थिंक मैंने उसका मटकी भी इसलिए फोड़ा था क्योंकि वो कनेक्शन बन ही नहीं पाया 2 हफ्ते में. लेकिन व्हेन आई केम आउट एंड आई स्टार्टेड सीइंग हर जर्नी, क्योंकि 2 हफ्ता इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन ओपिनियन अबाउट एवरीबॉडी ऑनेस्टली, यू नो इतने सारे 13 लोग वहां पे, उसमें से आप काम भी कर रहे हैं, आप टास्क भी कर रहे हैं, आप बॉन्डिंग भी बना रहे हैं, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. बट आने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग सना, आई रियली स्टार्टेड लाइकिंग हर अ लॉट, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ कि जो शुरू में मुझे लग रहा था कि यार फेक है, यू नो ऐसा कोई नहीं होता, हम लोग झगड़े कर रहे होते थे वो बुमरो गाना गा रही होती थी या कुछ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या है, यू नो लाइक यू नॉट यूज टू सीइंग समथिंग लाइक दिस नॉर्मल, तो आपको ऑब्वियसली यही लगता था कि यू नो फेक है. लेकिन इवेंचुअली मुझे जब मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी और यू नो इतने महीने उन्होंने तो एक्स्ट्रा महीने निकाले, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं आज यू नो ही शी इज क्यूट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही झल्ली है, पता ही नहीं लाइफ में, ऐसा नहीं है. शी इज वेरी सक्सेसफुल, शी इज वेरी टैलेंटेड, she knows what she's doing and she's doing a good job, so I really started liking her eventually.
आप किसी के टच में हैं दलजीत अभी? यार रश्मि सिद्धार्थ तो बहुत कम, रश्मि देबो अबू जी ने एक बार कॉल किया था, तो थोड़े बहुत लोगों से टच में हूँ। हमारी एक बिग बॉस की पार्टी होने वाली थी जो जैसे ही पता चला वायरस है तो फिर बंद हो गई, तो वो हुआ नहीं। तो आई थिंक व्हेन दैट विल हैपन वी विल ऑल मीट अगेन, बट उसके बाद फिर सब हाँ लोग अपने अपने घर में घुस गए, तो यू नो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो मौका नहीं लगा उतना मिलने करने का। यहाँ इस पेज पे बहुत सारे फैंस पायरा के भी आए हैं, आपने सबके बारे में बात की, पायरा के बारे में आप क्या अरे कहेंगी? वाह, जी मुझे एक चीज याद है, जब मैं आपसे इंटरव्यू करेक्ट आई थी ने बात की थी, तब आपने बोला था पारस आपके साथ आकांक्षा की बहुत बातें करते थे, उसने उन्होंने आपके साथ शेयर की थी कुछ बातें। यार। शुरू शुरू में पारस यूज टू टेल मी अबाउट आकांक्षा। मैं ज्यादा उस वाले उसमें नहीं जाऊंगी बिकॉज आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ गर्ल आई डोंट नो मच। तो पारस ने डेफिनेटली मुझे शो में बहुत कुछ कहा था, जो ऑन एयर भी हुआ था। उसी ने एक्चुअली सबसे पहले मुझसे ही शेयर किया था, टैटू भी दिखाया था, बहुत कुछ कहा था, बट ही डिडंट सीम हैप्पी इन द रिलेशनशिप। लेकिन मैं उसको जरूर बोलती थी कि इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू शुड हैव ब्रोकन अप एंड कम, व्हाई आर यू हियर एंड देन लुकिंग। तो वो मुझे डेफिनेटली बॉदर करता था कि यू नो आप एक तरफ से बोल रहे हो आपको पसंद नहीं है, ऊपर से आप यू नो। तो वो शुरू शुरू में मुझे जरूर बॉदर किया था, बट इवेंचुअली जब मैंने देखा कि यार somebody not you know wanting to be in a relationship doesn't make that person wrong, you know आज आप किसी के साथ हैं, हो सकता है कल आपकी वो bonding ना रहे, so it's okay, that also has to be respected, you know अब तो वही दुनिया है, अब वही सच्चाई है आज। और मैं माहिरा और पारस को जब साथ में देखती हूँ अभी, I don't I have they officially accepted they are in love or no, अभी क्या स्टेटस है मुझे नहीं पता। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, फ्रेंड अच्छा, लेकिन मुझे तो एक डेफिनेटली लगता है कि दोनों में, या मुझे सॉरी, नहीं लगता कि सिर्फ फ्रेंड्स होंगे, बिकॉज बहुत एविडेंट है दैट यू नो देयर सम नाइस केमिस्ट्री ब्रूइंग। एंड अगर ऑनेस्टली दे बोथ आर लॉयल टू ईच अदर एंड दे बोथ आर रियली एक्सप्लोरिंग, देन व्हाई नॉट, यू नो आई जस्ट होप कि अपने अपने जो भी पुराने रिलेशन है उसको जेन्युइनली एंड करें, और फिर इफ द रिलेशनशिप गोज ऑन व्हाई नॉट, देयर आर गुड लुकिंग कपल, बड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है। एंड आई थिंक आजकल के सर्वाइवल ऑफ रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप की बहुत जरूरत है, एक जेन्युइन फ्रेंडशिप होनी बहुत जरूरी है, यू नो मोर देन आई एम योर हस्बैंड, यू आर माई वाइफ, आई एम द बॉय, यू आर द गर्ल, वो अब पिछड़े जमाने वाला टाइम रहा नहीं। तो वो फ्रेंडशिप आई थिंक उन दोनों में मुझे दिखती है। तो आई रियली होप कि कुछ इंटरेस्टिंग सा हो और आके ये लोग डिक्लेयर कर ही दे एक दिन। नहीं, मुझे भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। एक लाइव चैट में पारस से पूछा गया कि आगे चल के माहिरा या आपको शादी का प्रपोजल माहिरा ने किया, तो पारस से बोला क्यों नहीं करूंगा, बहुत सुंदर है ये और मेरी मम्मा को भी पसंद है, तो अरे डिनाई वाह, नहीं अच्छी कर लेकिन बात एक्सेप्ट है। भी नहीं अगर कर धीरे रहे। धीरे आई थिंक धीरे धीरे दिल कम आउट एंड एंड व्हाट इज द हरी। देखो दोनों खुश हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया को कितना पता है कितना नहीं पता है। फाइनली बेचारे एक ऐसे घर में फंसे हैं या जहां पे भी हैं जहां पे कोई कैमरा नहीं है, तो आई थिंक नाउ दे नीड टू फिगर इट आउट, और जब उनको लगेगा सही लगेगा तो हम सबको पता चल ही जाएगा। सो वी शुड लेट देम बी फाइनली। मैं जाते जाते यहाँ पे लोग, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके स्किन बहुत अच्छी है, ये सब भी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ हाउ सीक्रेट्स स्वीट करना चाहेंगी यार, सीक्रेट आई थिंक सब आप? लोग ही ग्लो कर रहे होंगे क्योंकि सब लोग ही सो रहे हैं, बहुत आराम कर रहे हैं, एंड आई थिंक आई एम अ लिटिल मोर हैप्पी दीज डेज फॉर लॉट ऑफ रीजंस। तो आई थिंक दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज देयर, तो शायद मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रही हूँ। और बाकी तो आई थिंक टू मच रेस्ट, इतने रेस्ट की तो मुझे, मैं इतने सालों में नहीं सोई हूँ या इतना आराम किया, या मैंने जेरिन को एक दिन में इतने घंटों में नहीं देखा है जितना मैं शायद महीनों में उसको देख पाती थी। तो मेरे लिए तो मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि मैम आप अभी भी सिंगल हैं क्या? मैं ऑलमोस्ट सिंगल हूँ, ऑलमोस्ट तो प्लान्स हैं, सोचती हैं प्लान्स दोबारा? हैं। यार डर लगता है इस थॉट से। कई बार ये थॉट आया और बहुत स्ट्रांगली मैंने सोचा भी कि चलो अब यू नो व्हाट, डर से नहीं होगा, लेट्स गो अहेड। फिर मैं जितनी बार कदम आगे बढ़ाया फिर पांच गुनी स्पीड से मैं पीछे भागी, बिकॉज आई गेट वेरी स्केर्ड यू नो ऑफ स्टार्टिंग माई लाइफ अगेन विद दैट थॉट। यू नो अब वापस हिम्मत जुटा रही हूँ, वापस हिम्मत कर रही हूँ, और इफ इफ ऑल एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस देन देखते।
बिल्कुल मिलेगा, फिंगर क्रॉस, जैसा आप चाहती है वैसा ही मिलेगा। आई होप सो। आपके फोटो शूट के बारे में पूछ रहे हैं और मैं चलते चलते आपसे, आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट आपने साइन किए हैं या लॉकडाउन के तुरंत बाद जो है कोई एक चीज जो आप जरूर करना चाहेंगी वो क्या होगी? या मेरे एक्चुअली ऑलमोस्ट तीन बहुत इंटरेस्टिंग फोटोशूट्स लाइंड अप हैं विद रियली इंटरेस्टिंग थीम्स, लेकिन अभी ऑब्वियसली मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रही हूँ मेरे घर पे, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मेरे मेरा पूरा सेटअप रेडी है, बस शूट करने की देरी है। तो मेरा जैसे ही जब अलाव होगा और थैंकफुली जब चीजें थोड़ी सी सेफ हो जाएंगी, देन आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू अ फोटोशूट, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलते चलते लॉकडाउन के बाद सबसे पहली चीज क्या करनी है जैसे ही खुलेगा? आई विल गो टू गुरुद्वारा यार, आई एम एक्चुअली दैट मैंने बस दिल में वो सोचा हुआ है कि सबसे पहले जेरिन को बाहर लेके जाऊंगी तो गुरुद्वारे मत्था टिकाऊंगी, एंड यू नो द होल वर्ल्ड इज सफरिंग, दिस वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस वायरस, एंड सो मेनी पीपल हैव डाइड विदाउट अ रीजन, इट्स लिटरली नो रीजन टू डाई, यू नो इतना मास लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इट्स रियली सैड, और आई जस्ट थिंक आई वॉन्ट टू जस्ट पे दैट रिस्पेक्ट एंड थैंक बाबा जी फॉर hopefully very very soon when this all gets over and hopefully that day will come soon, to mera pehla jagah hoga gurdwara, uske baad bahut sari list hai unko milungi jaake। थैंक यू दलजीत, यहाँ पे बहुत सारे फैंस आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने बहुत ऑनेस्ट जवाब दिए, और अंजलि आपको बार बार बोल रहे हैं। जी थैंक यू अंजलि, मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार रहा है, और आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ था तब जब मैं इस पे आपको क्या नाम दू कर रही थी कि यू नो एक्टर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इतने लोगों से जुड़ते हो जिन्हें आप जिंदगी में मिले नहीं, जिनसे शायद आप जिंदगी में मिलोगे भी नहीं, लेकिन वो प्यार इतना सेल्फलेस है दैट आई थिंक ओनली एज एन एक्टर यू कैन गेट दैट, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अंजलि के थ्रू पहली बार ये देखने को मिला था। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, एंड इट वॉज लवली चैटिंग विद यू गाइज, आई विल कम बैक सून। Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Take care.